हेलो दोस्तों, DDS न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली दो दिन की बारिश के बाद दरिया बन गई है। ये किसी बाढ़ प्रभावित इलाके का हाईवे सर्वेक्षण नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो की रियलिटी चेक है। हम आपको दिखा रहे हैं धौला कुआं से गुड़गांव के बीच का रास्ता, जहां जल भराव और रोड में जाम होने से दिल्ली वालों का जीना मुहाल हो गया है। ये एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता है और ये जयपुर की तरफ भी ये रास्ता जो है जाता है, और यहाँ की सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई है, जिसके कारण गाड़ियों ने रेंगना शुरू कर दिया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कहाँ पे कितने घंटे से जाम पे फंसे हो गए और गाड़ी बंद हो गई? बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, क्या लगता सिस्टम फेल है? क्योंकि दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, घर जाएंगे। पानी लगातार हमेशा हर बारिश से पिछली बार भी हुआ था, अभी रखना हुआ है, तब भी हुआ था ऐसा। तो घंटे बजे रहे थे, तब भी हमारे पुलिस वाले कहते नॉन जी होगी पकड़ो इनको। कोई कितनी देर से आप लोग जाम में फंसे थे? कितना टाइम लगा आप लोगों को? एक डेढ़ घंटा हो गया। मुस्तफाबाद से और कापसगढ़ा बॉर्डर जो यार। अच्छा, तो अभी कैसे पैदल जा रहे हैं? कैसे, क्या बाइक, क्या हुआ? बाइक बहुत जाम हुआ है, कम से कम 3 घंटे से फंसे हम। अच्छा, तो लेकिन हर साल बारिश में पानी यही जाम लगता, क्या कहेंगे, सिस्टम फेल है कहीं? भैया ये तो MCD की कमी है, देख लो पानी निकलने का रास्ता नहीं है। मेन रोड है गुरुग्राम, गुड़गांव को जोड़ने वाला मेन रास्ता यही है। यहाँ ही नहीं फंसी, कम से कम दिल्ली में 50 जगह मिलेंगी आपको। इसी तरह देखो एक बार टॉर्चर होके जा रही है, पीछे देखो एक बार। छाता तो
कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप इस वक्त? हम जा रहे थे गुड़गांव। अच्छा, तो कहाँ बसते थे, कैसे थे? यहाँ दौलापुर से आ रहा था। अच्छा, तो कितनी देर से जाम में फंसे थे? मेरे पास सहूलत है देशमुख का, जो वो क्या बोलते देशमुख का मेट्रिक स्टेशन है, वहाँ से 12:30 बजे था, आधा घंटा से भी फालतू हो गया है। अच्छा, और ये पानी भरा हुआ तो क्या पैदल ही जाएंगे? पैदल ही जाना पड़ेगा, बस भी रुकी पड़ी है पीछे सारी। अच्छा, बहुत जरूरी काम से जाना है हमारे को। तो कहाँ ऑफिस जा रहे थे आप? हाँ, ऑफिस से काम से जा रहा था। ऑफिस से ठीक।